Hello everyone and welcome to another episode of Kimsi's Tasty Table and Travels. Kerala Travel Series में अब हम पहुंच चुके हैं थेकड़ी से मुनार, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में लास्ट क्लिप में आपसे शेयर भी किया था. So welcome to Vibe Munnar, the 5-star luxury resort in Munnar. इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पूरे होटल का टूर और हमारा जो यहाँ पे स्टे था जो कि था 4 nights and 5 days का. इस होटल की बुकिंग आपको मोस्ट ऑफ द ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप बुक कर सकते हैं. यहाँ से अब हम शुरू करते हैं हमारी जर्नी. एंटर हो चुके हैं अब हम मुनार में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा लश ग्रीन वैलीज है. बीच में आपको बहुत सारे होटल्स के ऑप्शंस दिखेंगे, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. लेकिन ये वाला जो होटल आगे जो मैं आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में, वो मेरे हस्बैंड ने बुक किया था देख के कि ये बहुत ही अच्छा और 5-star होटल है अभी जो नया ओपन हुआ है मुनार में. जब हम थेकड़ी टू मुनार आ रहे थे तो बीच में यहाँ पे हमें गणपति टेम्पल दिखा, जहाँ पे टेम्पल नहीं है, ये बहुत ही बड़ा एक स्टैचू है गणपति जी का जो कि मेन रोड पे ही पड़ता है. बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं जब भी वो थेकड़ी टू मुनार जाते हैं बीच में यहाँ पे रुक के ज़रूर गणपति जी के दर्शन करते हैं. कंटिन्यू करते हैं अब हमारी जर्नी फिर से होटल की तरफ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सुंदर रास्ते हैं मुनार के. मुनार जाना ही जाता है अपनी लश ग्रीन वैलीज और ब्यूटीफुल व्यूज के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे हाथी भी दिखा. केरला में आने का यही फायदा है कि आपको रूट पे भी ये सारी चीजें दिख जाती हैं, आप फिटनेस कर सकते हो. जब आप एलिफेंट्स को देखते हो ऐसे रोड पे चलते हुए, तो यही आपको याद दिलाता है कि आप केरला में हो. तो यहाँ पे अब हम एंटर कर चुके हैं हमारे होटल वाइब मुनार में. यहाँ से होती है एंट्री क्योंकि हमने कैब लिया था वहाँ पे, तो ये कैब पूरा अंदर तक चला जाता है इजीली. यहाँ से आपको पैदल नहीं जाना है, आप अपने व्हीकल को आराम से रिसेप्शन के फ्रंट तक लेके जा सकते हैं. तो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको क्लिप दिखाई थी, ये इसी वीडियो की एक्सटेंडेड पार्ट है. यहाँ पे गार्ड ने हमें रोक लिया क्योंकि यहाँ पे इनकी एक हेलीकॉप्टर राइड होती है जो कि होती है सैटरडे और संडे में, या फिर बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो वो उस बेसिस पे भी स्पेशल रिक्वेस्ट पे अलाउ करते हैं. आप बुक कर सकते हैं इस राइड को, जिसकी डिटेल्स मैं आपसे आगे वीडियो में शेयर कर दूँगी. तो चलिए चलते हैं अब होटल की तरफ. हम लोग गए थे दिसंबर मंथ में जब क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम होता है,
उस टाइम पे ज़्यादातर केरला में बहुत भीड़ रहती है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपनी बुकिंग एक या दो महीने पहले करके रखें। उस टाइम डील्स भी अच्छी मिलती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिल जाती हैं, जैसे रूम अवेलेबिलिटी, वो आप अपने हिसाब से देख के बुक कर सकते हैं। तो ये है इनका रिसेप्शन एरिया, जैसे मैंने आपसे पहले बताया था कि कार यहाँ तक आ जाती है, और ये इनका लोकल कार्ट है। अगर आपको होटल में इधर उधर जाना हो या फिर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो आप इस कार्ट को नीचे तक फ़ोन करके रिसेप्शन में बोल सकते हैं, ये कार्ट नीचे भेज देते हैं, उसमें भी आप अपना लगेज लेके आराम से आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एंटर कर दिया है रिसेप्शन में, ये है इनका पूरा रिसेप्शन एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इनका सीटिंग एरिया जो कि पार्ट ऑफ द रिसेप्शन ही है। यहाँ पे जब आप आते हैं तो ये आपको एक वेलकम ड्रिंक देते हैं, डेट्स देते हैं। ये होटल इन्फ्लुएंस है थोड़ा सा अरेबिक कल्चर से, और मैंने यहाँ पे ये भी विटनेस किया था कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अरेबिक कंट्रीज से आए हुए थे, तो आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ दैट ये जब भी कोई टूरिस्ट आता है तो वहाँ पे उनको वेलकम करते हैं एक वेलकम ड्रिंक के साथ और डेट्स के साथ। तो इनका रिसेप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है, और ये पूरा अंदर एरिया इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे आप आराम से वॉक भी कर सकते हैं। होटल के अंदर आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक नाइट में इसका व्यू बहुत ही अच्छा लगता होगा, मे बी वो मैं आगे वीडियो में मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ये है इनका रेस्टोरेंट, और ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। एज़ कम्पेयर टू दी अदर होटल्स जो हमने मुनार में देखे हैं, ये वाला होटल थोड़ा सा हाइट पे है, उसकी वजह से यहाँ पे व्यूज़ बहुत ही अच्छे दिखते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूम लेते हैं, उससे भी व्यूज़ दिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बाकी होटल्स आपको नीचे की साइड में दिखेंगे, तो ये होटल मुझे इसलिए भी अच्छा लगा। ये हैं सारे इनके रूम्स जो मैं आपसे आगे शेयर करूंगी, जो मैंने यहाँ पे अभी बाहर से देखा। आई थिंक मुझे सारे रूम्स में इनकी बालकनी दिखी है जहाँ पे इन्होंने बाहर चेयर्स लगाई हुई हैं, शाम के टाइम पे आप वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं रूम की तरफ। अगर आपका फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे रूम है तो आप स्टेयरकेस भी लेके जा सकते हैं। मैंने आपसे जैसे पहले बताया, हम क्रिसमस टाइम पे गए थे तो पूरे होटल में क्रिसमस की बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत ही अच्छी वाइब थी, क्रिसमस वाइब इन वाइब होटल, वाओ। तो ये हैं यहाँ पे इनके रूम्स, be
मुनार में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही एक अच्छा सरप्राइज दिया था, उन्होंने हमारे लिए स्वीट बुक किया था। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ अब रूम टूर। 2012 है हमारे रूम का नंबर और अब हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने कितना स्पेशियस एरिया दिया है लगेज के लिए। ये है इनका वॉशरूम जिसमें है बहुत ही अच्छा और बड़ा जकूजी। सेपरेट यहाँ पे इन्होंने शॉवर एरिया भी दिया हुआ है। और यहाँ पे आ जाता है पूरा मिरर एरिया, जो भी बेसिक अमेनिटीज होती हैं, ड्रायर, मिरर, टॉवल्स और जितने भी टॉयलेट्रीज होती हैं वो सब यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से रखी हुई थी। तो वॉशरूम में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी स्पेशियस था, बहुत बड़ा था। तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा और स्पेशियस एरिया यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है बैठने के लिए। और यहाँ पे एरिया है बेड का, चाहे तो आप बेड से भी टीवी देख सकते हैं या फिर आप काउच पे भी बैठ के टीवी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे ये आता है इनका वार्डरोब, वार्डरोब भी काफ़ी बड़ा और बहुत ही स्पेशियस था। आराम से आप सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं वार्डरोब में। तो जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंटेन की हुई थी। वार्डरोब सेक्शन मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा और स्पेशियस था। तो यहाँ से देखिए कितना अच्छा रूम का व्यू दिख रहा है। स्वीट्स आई थिंक इनके पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, उनके ऑप्शंस काफ़ी कम हैं। तो अगर आपको ये वाला स्वीट बुक करना हो तो आप इनकी वेबसाइट पे या फिर जितने भी ट्रैवल वेबसाइट्स हैं आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ये एरिया भी मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ पे इन्होंने सारी बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने मेन्यू, वाटर बॉटल्स और जो भी कॉफ़ी एरिया सेक्शन होता है, कुछ स्नैक्स रखे हुए थे। और यहाँ पे ये छोटा सा फ्रिज भी था जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द होटल्स में होता है। और इन्होंने अंदर जूसेस, ड्रिंक्स और चॉकलेट्स रखे हुए थे। अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं जो फ्रिज में है तो उसका प्राइस आपको सेपरेट चार्ज होगा। बाकी जो ये ऊपर स्नैक्स हैं ये भी चार्जेबल थे। ये है इनकी बालकनी जो मैंने आपको नीचे से दिखाई थी। तो यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि हमने स्वीट लिया था तो ये बालकनी बहुत ही बड़ी थी, एक्सटेंडेड थी। तो यहाँ पे 2 सेट ऑफ चेयर्स थे। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ भी आते हैं तो ये रूम बहुत ही अच्छा है, या फिर अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप इनसे एक्स्ट्रा बेड भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये बालकनी से भी व्यू बहुत ही अच्छा लगा। मॉर्निंग में जब मैं उठूँगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ का व्यू कैसा लगता है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, सामने आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। आई थिंक ये बेस्ट पार्ट था इस रूम का, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया। रूम टूर के बाद हमें बहुत भूख लगी थी तो हम आ गए थे इनके रेस्टोरेंट में और यहाँ पे हमने कुछ खाना ऑर्डर किया जो हमने एंजॉय किया। खाना खाने के बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया।
उसके बाद यहाँ पे रात हो गई थी, तो ये देखिए यहाँ पे है इनका नाइट लुक। तो यहाँ पे हम फिर से मेन एंट्रेंस के पास आ गए हैं चलते चलते। ये वाली चीज़ भी मैंने आपसे मॉर्निंग में शेयर की थी कि इनका वॉकिंग एरिया बहुत ही अच्छा है, आप आराम से खाना खा के या वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं होटल के अंदर, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये होटल रात को, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है, अच्छी वाइब है इस वाइब होटल की। इवनिंग में ये बहुत सारी एक्टिविटीज भी करते हैं, तो यहाँ पे ये बॉनफायर हो रहा है और यहाँ पे म्यूजिक भी चलता है, तो म्यूजिक पे आप डांस भी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इस होटल में यही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप अपने तीनों मील्स को एंजॉय करते हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को। डिनर में इनके दोनों ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो बफे एंजॉय कर सकते हो, आप चाहे तो अलाकार्ट ले सकते हो। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है वो भी बफे है, जो कि आपके पैकेज में ही होता है, जब भी आप बुक करेंगे तो उसमें वो ऑप्शन आपको मिलेगा। तो रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत ही नीट और क्लीन था, काफ़ी बड़ा था। ये जो इन्होंने बड़े बड़े ग्लास विंडोज लगाए हुए हैं, इससे मॉर्निंग में व्यू बहुत ही अच्छा आता है, तो वो मैं आपसे कल शेयर करूँगी। ये देखिए काफ़ी अच्छा सीटिंग एरिया है, बैक साइड में भी इनके यहाँ पे ग्लास डोर्स हैं जिससे आप बैक वैली का भी व्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हो गया था डिनर टाइम, और हमने यहाँ पे फर्स्ट डे जब हम आए थे,
हमने यहाँ पे ऑप्ट किया था इनका डिनर बफे ऑप्शन, वो भी मैं आपसे अब शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है सूप सेक्शन से, यहाँ पे दो ऑप्शन थे सूप के। यहाँ पे इन्होंने चिकन शोरबा बनाया हुआ था और वेज में था माइंडस्टोन सूप। ये सारे थे ब्रेड सूप के साथ। और ये अब आ जाते हैं सारे स्टार्टर्स। ये आई थिंक चिकन स्ट्रिप्स हैं, यस चिकन स्ट्रिप्स विद फ्राइज है। और यहाँ पे ये है मुगलाई चिकन, उसके बाद यहाँ पे ये है फिश करी, स्टर फ्राइड जिंजर फिश। और ये है इनके सारे ब्रेड्स, जो भी आपकी चॉइस हो वो यहाँ से ले सकते हैं। और ये है सारे राइस ऑप्शंस, यहाँ पे आपको सारी बिरयानीज वगैरह भी मिलती हैं। और ये है सारे पापड़म और फ्राइज का सेक्शन, केरला फूड इज इनकम्प्लीट विदाउट पापड़म। तो यहाँ पे अब आ गया है सारा वेज सेक्शन, दाल फ्राई, पनीर टिक्का मसाला, आलू गोभी, दिस इज भिंडी, मसाला फ्राइड भिंडी। ये है इनका कुंग पाओ कॉलीफ्लावर और ये है पास्ता। तो बहुत सारा और बहुत ही अच्छा बफे लगा, काफ़ी बड़ा बफे था। ये है इनका सारा पिकल सेगमेंट और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे साउथ इंडियन डिशेस जो कि हैं अपम, कर्ड राइस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये है इनका स्वीट सेगमेंट, जहाँ पे स्टार्ट करते हैं आइसक्रीम से और आगे इन्होंने रखे हुए हैं गुलाब जामुन, और 2-3 ऑप्शन पेस्ट्रीज के थे। बाकी यहाँ पे टार्ट्स थे, मूज थी। और यहाँ पे इन्होंने सम चॉकलेट पुडिंग भी बनाई हुई थी। ये है इनका पूरा सैलेड सेक्शन। तो ओवरऑल काफ़ी बड़ा और काफ़ी लैविश बफे स्प्रेड था विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। टोटल कॉस्ट यहाँ पे बफे की मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, पर पर्सन ये बफे था 1700 प्लस टैक्सेस, जिसमें आई थिंक 100 या 200 रुपीस का ही डिफरेंस था वेज और नॉन वेज में, विच विल कम अराउंड 2000 पर पर्सन। तो अगर आप चाहते हैं और अगर आप इनका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बफे प्राइस मैंने आपसे शेयर कर दिया है और पूरा जो भी इनका बफे स्प्रेड्स था वो भी शेयर कर दिया है। अगर आपका मन हो तो आप ज़रूर ट्राई करें इनके बफे को। बाकी जो 2 दिन थे वहाँ पे हमने इनका अलाकार भी ट्राई किया था, जो मैं आपसे आगे वीडियो में शेयर करूँगी। डिनर करने के बाद हम भी यहाँ पे बाहर आ गए थे वॉक करने के लिए, और यहाँ पे हम वॉक करते करते चले गए इनके मेन एंट्रेंस तक। कोई भी यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे होटल के अंदर वॉक करके। बहुत ही अच्छा एरिया इन्होंने बनाया हुआ है वॉकिंग के लिए। तो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एंड अ प्लेजेंट डे, हमारा फर्स्ट डे बहुत ही अच्छा निकला। We began to feel the fire.
coals that take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग व्यू मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने रूम से। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, यहाँ पे हो चुकी है सुबह और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर व्यू है मॉर्निंग का। ये एकदम अर्ली मॉर्निंग का व्यू नहीं है क्योंकि हम थक गए थे, थोड़ा सा लेट उठे थे, तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10:30। इस टाइम पे ये वाला व्यू मेरे रूम से यहाँ पे दिख रहा है जो कि बहुत ही सुंदर है। ये देखिए चारों तरफ यहाँ पे आपको ये एक बहुत ही अच्छी माउंटेन रेंज दिख रही है, डीप वैलीज हैं, बहुत सुंदर लग रहा है और हवा भी बहुत ही प्लेजेंट है। तो जब भी आप मुनार आए, कोशिश करें इस होटल को बुक करने की और एंजॉय करें अपना स्टे। The chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. तो चलिए अब मैं आपसे शेयर कर देती हूँ यहाँ पे इनका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे है सारे चीज ऑप्शंस, फ्रूट ऑप्शंस, शेक्स, लस्सी, स्मूदीज। और इस तरफ आ जाता है, या इस तरफ आ जाता है इनका सारा सीरियल सेगमेंट। और यहाँ पे हॉट मिल्क है, कॉफ़ी है, उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है या बेक्ड बीन्स, ये है टोस्टेड ब्रेड्स, एग्स, सॉसेजेस। और यहाँ पे चटनीस, फ्रेश स्टीम्ड इडलीस, वड़ास, सांबार। जो भी बेसिक साउथ इंडियन ज़्यादातर आपको केरला होटल से मिलेगा वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे थे। यहाँ पे पुट्टू भी अवेलेबल था, तो अगर आप तो कुछ नया ट्राई करना है तो आप सांभार के साथ पुट्टू ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये है इनका स्टीम्ड बनानास, ये थोड़े से मीठे होते हैं। यहाँ पे इनका है छोले या फिर चना, एंड दीज आर भटूराज। यस, तो
तो चना भटूरा का भी ऑप्शन था, ये है पराठाज। पराठाज अगर आप इनको रिक्वेस्ट करते हैं तो ये लोग एकदम फ्रेश पराठा भी आपको बना के दे देते हैं। सो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी नाइस स्प्रेड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी हमने इंजॉय कर लिया। और अब हम आ गए थे बाहर थोड़ा सा धूप सेकने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से भी। थोड़ा सा यहाँ पे हेजी था क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा बारिश होने का वेदर हो गया था। तो यहाँ पे पूरी के पूरी बसेस आती हैं टूरिस्ट को लेके। ये वाला एरिया जो सामने आप देख रहे हैं जहाँ पे कार पार्क्स हैं, यहाँ पे है इनका पार्किंग सेगमेंट। तो यहाँ पे अगर आप अपनी कार से आते हैं या फिर आप कार बुक करके आते हैं तो यहाँ पे वो लोग अलाउ करते हैं कार पार्किंग के लिए। होटल में भी इन्होंने यहाँ पे ये एक्टिविटीज रखी हुई थी एक दो, जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे आप चेस प्ले कर सकते हैं या फिर अगर आपको बैडमिंटन खेलना है या फिर कुछ और एक्टिविटीज करनी है तो वो सारे भी ये प्रोवाइड कर देते हैं। The chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. तो चलिए अब हम आ गए हैं होटल के अंदर वापस और अब हम आपको दिखाते हैं इनका स्विमिंग पूल एरिया। तो ये स्विमिंग पूल बना है एकदम रूफ टॉप पे। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से, बहुत ही अच्छा, और चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़, चारों तरफ ग्रीनरी। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल सेगमेंट ऑफ दिस होटल जो इन्होंने रूफ टॉप पे ये स्विमिंग पूल बनाया हुआ है और चारों तरफ से जो आपको
बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है इस वन ऑफ इट्स यूएसपी। ये वाला जो इनका स्विमिंग पूल है ये टेम्परेचर कंट्रोल नहीं था, पानी उस टाइम पे बहुत ठंडा था, तो अगर आप दिसंबर में जा रहे हैं तो उस हिसाब से ही आप स्विमिंग के लिए ऑप्ट करें। तो ये देखिए यहाँ पे इनकी होती है हेलीकॉप्टर राइड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था हेलीकॉप्टर राइड इनकी ज़्यादातर वीकेंड्स पे होती है। तो ये राइड आपके पैकेज में नहीं होती है, ये आपको सेपरेट बुक करानी पड़ती है। ये होटल ज़्यादातर हेलीकॉप्टर राइड प्रोवाइड करता है वीकेंड्स पे या फिर स्पेशल ओकेजन्स या सेलिब्रेशंस पे। ये वाले एरिया में इनका हेलीपैड है जहाँ पे इनका बॉनफायर भी होता है, नाइट में मैंने आपसे शेयर किया था। तो अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड इनकी स्टार्ट होने वाली है। जब भी ये हेलीकॉप्टर राइड स्टार्ट होगी मैं आपसे वो वाली क्लिप्स भी ज़रूर शेयर करूँगी और इनकी जो हेलीकॉप्टर राइड के प्राइजेस हैं वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको क्लोज लुक दे रही हूँ यहाँ पे हेलीकॉप्टर का, बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही अच्छा लगा। जनरली मैं जिस होटल में जाती हूँ वहाँ पे मैंने ये वाली चीज़ विटनेस नहीं की थी अभी तक, तो मेरे लिए ये बहुत एक्साइटिंग था। इनफैक्ट जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे आए हुए थे उन सभी के लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग था और लोगों ने इस राइड को भी बहुत इंजॉय किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी लोगों ने यहाँ पे बुकिंग की थी इस राइड के लिए वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर देती हूँ हेलीकॉप्टर राइड के चार्जेस। टोटल 6 पीपल आर अलाउड यहाँ पे, एक राइड में 6 लोग ही सिर्फ अलाउड होते हैं। पर राइड की कॉस्ट है 4000 रुपीज़ जो कि डिवाइड होती है अमंग 6 पीपल, 6 लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और आप 6 लोग हैं तो आप एक पूरी राइड बुक कर सकते हैं या फिर आप बाकी के जो गेस्ट होते हैं उनसे भी आप क्लब करके ये राइड इंजॉय कर सकते हैं। तो आप ये होटल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो अपने आप ही आपको ग्रुप में एडजस्ट कर देते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वो आपसे चार्ज कर लेते हैं। टोटल राइड का जो टाइम मैंने आपको बताया है वो है 10 मिनट्स का, जिसमें ये अपना पूरा मुनार का वैली व्यू आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने आपको पूरा होटल टूर दे दिया है, शेयर कर दिया है आपसे सारे प्राइजेस। उस टाइम पे जो हमें रूम की कॉस्ट पड़ी थी वो थी 10,000 प्लस टैक्सेस, जिसमें लंच और डिनर इंक्लूड नहीं थे, ओनली ब्रेकफास्ट पैकेज में इंक्लूड था। अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको रूम सस्ता मिल सकता है, रूम के प्राइजेस थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पीक सीज़न में आते हैं तो वहाँ पे रूम के प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो रूम के प्राइजेस वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस टाइम पे आप विज़िट करना चाहते हैं, और अगर आप पहले से ही रूम को बुक कर लेते हैं 3-4 मंथ्स तो वहाँ पर भी कॉस्ट आपको कम पड़ती है।